आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं शाबर वशीकरण मंत्र, तो हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भाग्यशाली टोटके में, जिसमें हम सभी धर्मों की बहुत सारी रोचक और भाग्यशाली टोटके आप सभी तक बहुत ही अनोखे और मनमोहक तरीके से पहुँचाते हैं, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। शाबर मंत्र, जिसमें तिलक द्वारा वशीकरण किया जाता है, शनिवार के दिन सिंदूरी हनुमान जी की प्रतिमा का पूजन करें और मूर्ति को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। इसके बाद इस मंत्र की एक माला का जाप करें। ये जाप 21 दिन तक लगातार करें। जब आवश्यकता हो ये मंत्र जाप करते हुए किसी चौराहे से मिट्टी उठा लें और उसके बाद भाल का टीका लगातार उस व्यक्ति के समक्ष जाएं, जब भी तो लगा कर जाएं जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। और दोस्तों मंत्र ध्यान से सुनिए, इसमें आपको गलतियां नहीं करनी है, आप इसे पहले लिख लीजिए। ओम नमो आदेश गुरु को, राजा मोहू प्रजा मोहू, मोहू ब्राह्मण बनिया हनुमंत ब्राह्मण बनिया, हनुमंत रूप में जगत मोहू, तो रामचंद्र परमाणिया, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये मंत्र है दोस्तों, जो तिलक द्वारा वश में करने के लिए इस्तेमाल किया होता है। अब आपको बताते हैं स्त्री वशीकरण के लिए कौन सा शाबर मंत्र इस्तेमाल होता है। किसी भी स्त्री को अपने वश में करना चाहते हैं तो उसके बाएं पैर की मिट्टी ले लें। जी हाँ दोस्तों, बाएं पैर के नीचे की मिट्टी लेकर आपको इस मंत्र को 7 बार अभिमंत्रित करना होगा। इस मिट्टी को आप अभिलाषित स्त्री के सिर पर भी डाल सकते हैं, ऐसा करने से वो स्त्री आपके वशीभूत हो जाएगी। आइए दिखाते हैं आपको क्या है वो मंत्र। काला कलुआ 64 वीर, ताल भागी तोर, जहाँ को भेजूं वहीं को जाए, मांस मज्जा को शब्द बन जाए, अपना मारा आप दिखावे, चलत बाण मारू उलट मूठ मारू, मार मार कलुआ तेरी आस चार, चौमुख दिया मार बादी की छाती, इतना काम मेरा ना करे तो तुझे माता का दूध पिया हराम। ये है दोस्तों स्त्री वशीकरण का मंत्र। अब आपको दिखाते हैं कैसे आप चमेली के तेल द्वारा वशीकरण कर सकते हैं। चमेली के तेल की एक डिब्बी में आप इस मंत्र को 7 बार अभिमंत्रित करके डाल दें। प्रत्येक मंत्र के बाद तेल में फूकें, लगातार ऐसा 7 बार करें तो आपका तेल अभिमंत्रित हो जाएगा। अब इस तेल को जिस भी स्त्री पर आप छिड़क देंगे वो स्त्री आपके वश में हो जाएगी। मंत्र है ओम नमो मन मोहिनी, मोहिनी चला, गैर के मस्तक धरा तेल का दीपक चला, जल मोहू थल मोहू, मोहू सारा जगत, मोहिनी रानी जा शैया पे ला, न लाए तो गौरा पार्वती की दुहाई, लोना चमारन की दुहाई, नहीं तो वीर हनुमान की आन। तो दोस्तों ये था मंत्र जिसमें आप चमेली के तेल द्वारा वशीकरण कर सकते हैं। अब है आपको बताते हैं सबसे आसान वशीकरण, जो है आँखों द्वारा। इस मंत्र को जाप करते हुए आप किसी स्त्री से अगर नजर मिलाएंगे तो आपके वश में हो जाएगी। मंत्र है एम भग भुगे भगनी भागोदरी भगमाले योनी, भगनी पत्नी सर्व भग संकरी, भग रूपे नित्य क्ले भग स्वरूपे, सर्व भगनी में वश मान्य, वरदेरेते सुरेते भग लिंकने, क्लीम न द्रवे क्लेद्य, द्राव्य अमोघे भग विधे शुभ शोभ्य सर्व, सत्वाम गेश्वरी एम लकम जम ब्लूम ब्लूम भैम मो बलू, हे क्लीने सर्वाणी भगानी तस्मे स्वाहा। और दोस्तों इसके बाद है गुड़ द्वारा वशीकरण। शनिवार के दिन भैरव बाबा की पूजा करें और पूजा करने के बाद थोड़ा सा गुड़ लेकर इस गुड़ को इस मंत्र द्वारा 21 बार अभिमंत्रित करें। अब इस गुड़ को आप जिस भी स्त्री को खिलाएंगे उसे ही अपनी सेज पर पाएंगे। इस मंत्र का लाभ केवल विवाहित स्त्री से ही प्राप्त होता है दोस्तों। मंत्र है ओम नमो गुड़, गुड़ रे तू गुड़, गुड़ तामड़ा मसान, केली करंता जा उसका देग उमा, सब हर्ष हमारी आस, खसम को देखे जले बले, हमको देवे संकी रुचले, चाली चाली रे कालिका के पूत, जोगी जंगम और अवधूत, सोती होए जगाए लाओ, ना लावे तो माता कालिका की, शैया पर पांव धरे शब्द साचा पिंड काचा, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। अब आपको बताते हैं कि आप कैसे पान द्वारा भी वशीकरण कर सकते हैं। इस मंत्र को आप पान के ऊपर 21 बार अभिमंत्रित करें। इस पान को आप जिस भी स्त्री को खिलाएंगे वो तुरंत आपकी मित्र बन जाएगी, और अगर आप दूसरी बार इसी प्रकार से पान उस स्त्री को खिलाएंगे तो वह आपके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाएगी।
तीसरी बार अगर आप इसको किसी स्त्री को खिला दें तो वो आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचेगी। तो दोस्तों मंत्र है श्री राम नाम रबेली अकनक बीरी सुनिए नारी बात हमारी। एक पान संग मंगाए एक पान सेज सौलावे मक पान मुख बुलावे हमको छोड़ और को देखे तो तेरा कलेजा मोहम्मद वीर चखे। तो दोस्तों ये था पान द्वारा वशीकरण। अब आपको बताते हैं कि कैसे आप नमक द्वारा भी वशीकरण कर सकते हैं। इस मंत्र का प्रयोग स्त्री को वशीभूत करने के लिए किया जाता है। मंत्र में देव दंती के स्थान पर अभिलाषित स्त्री का नाम बोलें। इस मंत्र को करने के लिए दोस्तों आपको गुरुवार के दिन प्रसन्न मुद्रा में एक आसन पर बैठना है। एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक लें। अब इस नमक को इस मंत्र के द्वारा 7 बार अभिमंत्रित करें। आपको इसे गुरुवार के दिन शुरू करना है, रोजाना ठीक इसी समय पर 5 गुरुवार तक करना है। 5वें गुरुवार को इस प्रकार करने के बाद ये नमक अभिमंत्रित हो जाता है। अब आप इस नमक को जब किसी स्त्री को खिलाएंगे खाने में या पीने में इसको दे सकते हैं। ऐसा करने से वो स्त्री आपके वशभूत हो जाएगी। मंत्र बेहद आसान है। ओम भगवती भग भाग दायिनी देव दतिम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। तो दोस्तों आज हमने आपको बताए बहुत सारे शाबर वशीकरण मंत्र। इनका इस्तेमाल अच्छे कार्य के लिए करें, कोई भी गलत दुर्भावना अपने मन में ना लेकर आए। दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भाग्यशाली टोटके को और क्लिक करें बेल आइकन पर रोचक और भाग्यशाली टोटकों से जुड़ी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए भाग्यशाली टोटके के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।